नहीं पता कि मैंने कैसे कंबाइन कर लिया. आई रियली डोंट नो हाउ आई डिड इट एंड बट इट हैपन बाय गॉड्स ग्रेस. और मिस इंडिया जीतने के बाद आपको देयर इज अ होल टीम एंड दे आर लाइक द बेस्ट इन द कंट्री हु ट्रेन यू. तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग दैट गोज इन, क्योंकि आपके बेटे भी एमबीबीएस कर रहे हैं और हम लोग को टाइम नहीं मिलता और चीजें सीखने का. और मुझे कुछ नहीं आता था. आई डोंट नो हाउ टू डू माय हेयर, हाउ टू डू माय मेकअप, हाउ टू वॉक. सो आई जस्ट हैड अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म टू लर्न. एंड सो देयर इज अ होल टीम विच ग्रूम्स यू. देयर आर पीपल हु टीच यू अबाउट डिक्शन, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड योर हेयर मेकअप एवरीथिंग. बट आई थिंक ये सारे चीजें एड ऑन करते हैं. But the training is more focused towards your self discovery because that is what counts the most in a pageant. But sabse bada challenge kya tha, ek doctor, ek MBBS banne ka sapna ek din achanak aap sochti hai chaliye miss world ke liye main apply karti hu ya miss india ke liye apply karti hu, to sabse bada challenge kya tha aapke samne? I think sabse bada challenge mere samne ye tha ki कन्विंस करना खुद को कि एमबीबीएस के साथ भी मैं किसी तरह से इसके लिए भी टाइम निकाल सकती हूँ. तो ये क्राउन जो है, जब आप उस डॉक्टर आईसीयू में जाएंगी तो क्राउन लेकर तो नहीं जाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर मैं आईसीयू में जाऊंगी तो मेरे पेशेंट को ज्यादा खुशी होगी कि मैं बॉलीवुड नहीं, मैंने मेडिसिन करी. गुड आंसर, गुड आंसर. आई मस्ट आस्क यू.